खबर नदबई से। लखनपुर थाना क्षेत्र के गांव में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। मामले में पीड़ित किशोरी के पिता ने 5 जनों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया। पुलिस के अनुसार पीड़ित किशोरी अपने पिता व भाई के साथ खेत स्थित कोठरी में सो रही थी। इसी दौरान आरोपी पिंटू जाटव, राहुल जाटव, बाबू जाटव, धर्मा सिंह व विनोद जाटव ने खेती में रखी बाजरे की कड़वी में आग लगा दी। आग लगने पर पीड़ित अपने पुत्र के साथ आग बुझाने का प्रयास करने लगा। इसी दौरान आरोपी कोठरी में सो रही किशोरी को उठाकर जंगल में ले गए। बाद में दुष्कर्म कर आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़ित किशोरी ने घर पहुंच परिजनों को मामले के बारे में बताया। बाद में किशोरी के पिता ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों का सुराग लगाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। लखनपुर में पीड़िता के पिता द्वारा एक मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें आरोप ये लगाया है कि भाई मेरी 9 बीघा फसल को आरोपियों द्वारा पेट्रोल डाल के जला दिया गया तथा मेरी नाबालिग बच्ची के साथ उन्होंने गैंगरेप किया, जिसमें तफ्तीश की जा रही है। आगे जैसी भी कार्रवाई होगी वैसी की जाएगी।